हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि प्लस टू वालों की फाइल अप्रूव होगी। भाई, प्लस टू वालों की फाइल विद इन 1 मंथ अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आपके पास काम का मैसेज आ सकता है, 1 मंथ बाद भी, 2 मंथ बाद भी, 3 मंथ बाद भी। जिस तरीके से काम की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, बंदों की ज़्यादा जरूरत होती जाएगी, उस तरीके से आपके पास काम का मैसेज आता रहेगा। स्टार्टिंग में मैंने भी तो जब फाइल लगाई थी 2 नवंबर 2017 को, मेरे पास 2 या 3 मंथ बाद काम का मैसेज आया था। लेकिन एक मेरा फ्रेंड था, उसके पास मतलब 15वें दिन काम का मैसेज आ गया। तो ऐसा भी होता है। हालांकि उसकी डिग्री कंप्यूटर की नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन उसने मेरे से बाद फाइल लगाई थी, उसका 15 दिन बाद काम का मैसेज आ गया था, और मेरे पास काम का मैसेज आया था 3 मंथ बाद। तो काम का मैसेज मतलब 10 से 15, मतलब फाइल अप्रूव होगी ना तो उसी दिन से लेकर कभी भी आ सकता है मैसेज। ठीक है, वो आपका मतलब देखा जाता है भाई, आपने किस फील्ड से प्लस टू की है, या फिर ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, काम का मैसेज आ जाएगा। बस आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो फिट होना चाहिए, और जो डिग्री है उसमें डेट ऑफ बर्थ है, मतलब जो आप पिक अपलोड कर रहे हो, जैसे कि 10वीं की, प्लस टू की, वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, एकदम देखने के लायक होनी चाहिए, व्यूएबल होनी चाहिए कि अगले बंदे को दिख जाए। ठीक है, सब कुछ ओके होना चाहिए। आप कहीं भी वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करने चाहिए, आप प्रॉपर कहीं भी आगे स्टडी नहीं कर रहे होने चाहिए, और आपकी जो सालाना इनकम हो 3 लाख से कम होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट अपने फादर के नाम से बनवाएं, और जो लेडीज़ है वो अपने हस्बैंड के नाम से बनवाएं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। वो काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं कि सर आपका मोबाइल नंबर दे दो। भाई, मोबाइल नंबर देने में कुछ को नहीं, मैं भी तारी जैसा आम आदमी हूँ, तारी जैसा सक्षम हूँ मैं भी। ठीक है, तामी तारी जगह पर, मैं मेरी जगह पर हूँ। लेकिन मेरा स्टार्टिंग में एक दो किसी ने, जब मेरी स्टार्टिंग की वीडियो थी, एक हालांकि फिलहाल जो मैंने वो डिलीट कर रखी है, 2 साल पहले बनाई सक्षम की वीडियो मैंने, उसमें मैंने उस टाइम मैंने वीडियो बनाने को नहीं आया करता था, मैंने आईडी कौन गया नंबर, तो फ़ोन नंबर देखकर कई कई यार मैं तो फ़ोन गया था कि ये मतलब कुछ जानकारी ले ली, कुछ लड़की थी, तो उसका दिन अगले दिन उसका हस्बैंड का फ़ोन आया है कि आपका नंबर हमारे फ़ोन में कैसे आया। यार, या भी मेरी गलती है, मेरा नंबर तारा फ़ोन में क्यों कराया। तो मन्ना के बेरा यार, नु कौन बोल रहा है, मगा वो बोलूँ तो नुला के मारा, तेरा नंबर हमारा कैलेंडर के पीछे लिख रखे है, मगर यह भी मेरी गलती है, मैं लिख कर आया हूँ तेरा कैलेंडर के पीछे। मैं भाई साहब, तू बोल रहा गलत है, नु भाई साहब तेरा नंबर डायल करोड़ा हमारे फ़ोन में, तो मखा मेरी गलती है कि डायल करोड़ा, तो कौन बोल रहा है कट। वो उस टाइम पर बहुत सारे फ़ोन आया करते बस सक्षमा के, ईब थोड़ा मैंने जाकर थोड़ा कंट्रोल कर रहा है फ़ोन नंबर ना बांटना। उस टाइम पर दिन के, सच्ची बताऊँ ना, कम से कम 50+ फ़ोन आया करते सक्षमा के, हर बंदा 5-5 मिनट बात करे, 2 मिनट बात करे, तो कितनी देर होगी, तो सोच देख लो यार, मतलब 2-3 घंटे तो नॉर्मली निकल जाएगा थे, 50 फ़ोन ना हो, 2 मिनट बात कर रहे हैं ना तो भी 2 घंटे हो जाए भाई, तो बहुत ज़्यादा फ़ोन आया करते। इसलिए फ़ोन पर नहीं आता, मैं कमेंट कर दिया करो जो भी दिक्कत है। अब देखो किस टाइप की मानस पाऊँ, कोई के गलत सोचता है, कोई गे गलत सोचता है, इसलिए कोई लड़का हो तो लड़की हो, फ़ोन नंबर नहीं यार, बस कोई भी दिक्कत है ना, मतलब इस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट बिल्कुल करूँगा। ठीक है, तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, मैं क्या तामी भी समझो हो, क्योंकि ये फालतू लफड़म पड़ा है कि मैं अनजानी को नहीं। आपका पढ़ाई करो, बढ़िया रहो, अपने जो काम मिले वो काम करो, और फोकस ऑन स्टडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, बाय बाय।